बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हाजी बिस्मा है, मैं डूरू जमलगाम से हूँ। तो मैंने ये कैलीग्राफी पिछले साल से स्टार्ट की है। मैंने आलमियत कंप्लीट किया है जम्मू में, तो अब मैं प्राइवेट स्कूल में हिमालयन वैलीज इंटरनेशनल स्कूल जो बद्रागुड़ में है, मैं वहाँ पर टीचर हूँ। तो ये मैंने, अब मैं टीचर भी हूँ आज, लेकिन मैं उसके बाद भी जब मुझे घर में फ्री टाइम होता है, मैं उस टाइम पे कैलीग्राफी करती हूँ। क्योंकि हमें अगर कोई मतलब सलाहियत होती है, कोई टैलेंट होता है, उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। जो हम फजूल कामों में इस्तेमाल करें कोई भी वक्त, तो उससे बेहतर है कि वो काम करें, उसमें हमें वो वक्त लगाना चाहिए जिससे कोई फ़ायदा हो। मैंने ये कहीं टीचर से नहीं सीखा है, बस मैं ऐसे फ़ोन पर देख रही थी, यूट्यूब में मैंने एक बार देखा तो मुझे भी वहाँ से शौक़ पैदा हुआ, तो फिर मैंने वहीं से स्टार्ट किया। अब मैं खुद अपनी डिज़ाइन से मतलब कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, खुद ही कभी वॉल पे बनाती हूँ, क्योंकि मतलब मैं चाहती हूँ कि हाँ कुछ ना कुछ अगर होगा। क्योंकि जब इंसान किसी काम के अंदर ज़्यादा दिलचस्पी देता है तो वो इंसान को ज़्यादा ही आता है। अगर अब इंसान ये कहेगा नहीं मुझे नहीं आएगा, तो उसका मतलब ये होता है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता है। इसलिए अगर हम एक काम में इंसान अच्छे से दिलचस्पी देगा तो वो इंसान को काम बहुत अच्छे से आएगा। इसलिए मैं कंटिन्यू कर रही हूँ और मैंने ये YouTube पे ही देखा है। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम कोई नेक काम करेंगे तो उसमें बड़ों की दुआएं भी होती है, खासकर माँ बाप के साथ में होती है। और जब मैं ये कुरान की आयत लिखती हूँ तो इसके बारे में मुझे कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो मुझे कहेगा नहीं आप गलत कर रहे हो खुदा ना खास्ता, क्योंकि ये ऐसा काम है जिससे अल्लाह भी राज़ी होता है और बंदे भी खुश हो जाते हैं। तो इस काम में मुझे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया है कि हाँ ठीक है, आप कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो। तो बाकी मतलब में जो ये इसके बारे में सामान लाना होता है तो वो मतलब महंगा भी पड़ता है, और आजकल तो आपको पता ही है कि मतलब कितना महंगा होता है बाहर से। तो इसके लिए मुझे मतलब बहुत सारे मटेरियल खुद लाना पड़ता है, कभी एक बाज़ार से कभी दूसरे बाज़ार से। मैं एक बहन होने के नाते उनको ये मैसेज दूंगी, चाहे मेरा मतलब चाहे कोई लड़का हो चाहे कोई लड़की हो, कि गलत काम को छोड़ के अगर आप किसी सही काम की तरफ आएंगे तो आप खुद देखेंगे कि इसमें कितना मतलब सुकून मिलता है, या इससे अल्लाह ताला जब राज़ी होता है तो हमें खुद महसूस होता है कि नहीं हमने कोई नेक काम किया है। बाकी जो हम मतलब आजकल देखते हैं कि लोग लड़के हो या लड़कियाँ हों, गलत कामों की तरफ ज़्यादा माइल होते हैं और उनको कोई बोलने वाला भी नहीं होता है। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम किसी को ऐसा रास्ता दिखाएं जिससे उसको भी फ़ायदा हो और अल्लाह भी राज़ी हो जाए।